सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमः त्रियोगी संहारिके मलिक हजरात श्री आदिनाथ भगवान की। थोड़ी सी आप लोग थक गए क्या? सुन सुन के थक गए आपको? नहीं, अच्छा। बोलिए सोनागिर के चंद्रप्रभु भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इस पर भी लेख लिखवाएंगे कि जय बोलने से क्या क्या फायदे होते हैं। बोले विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री गेय सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, हम और प्रकृति, प्रकृति हमारे बिना रह सकती है मगर हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं मगर हम, बोलिए, पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। जल हमारे बिना रह सकता है लेकिन हम जल के बिना नहीं रह सकते। प्रकृति के साथ जीना ही पड़ेगा, बिना प्रकृति के तो किसी का जीवन है ही नहीं। प्रकृति आधार है और वृक्ष तो एकेंद्रीय जीव है, जल एकेंद्रीय जीव है ना। अभी एक सुमत जी ने बताया कि जैसा वृक्ष महसूस करते हैं ऐसा भी जल भी महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव है और इनके अंदर भी जीव है। तो इसीलिए वृक्ष और जल, और चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वनस्पति हो, जो भगवान महावीर ने कहा है, आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि वृक्ष में जीव है, ये बात तो 2500 साल पहले भगवान महावीर ने कह दी थी। पेड़ों के ऊपर एक बड़ी अच्छी कविता याद आ रही है, कहो तो सुना दो। हाइट किसकी बड़ी है, वृक्षों की या मनुष्य की? मनुष्य की, वृक्षों की, वृक्षों की। बिल्कुल ठीक बात है। वृक्ष क्यों बड़े होते हैं? वृक्ष क्यों बड़े होते हैं? इसलिए कि उन्हें नहीं होती ईर्ष्या उनसे जो उनके पास खड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। जो देते हैं उन्हें पानी, वे देते हैं उन्हें फल। जो देते हैं उन्हें पानी, वे देते हैं उन्हें फल, और उन्हें भी जिनके पत्थर उन पर पड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। तुम क्या लड़ोगे सर्दी और गर्मी से, आंधी और तूफान से? जो वो लड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। माँ की गोद ही विकास का कारण है, धरती माँ, माँ की गोद ही विकास का कारण है। शायद जानते हैं वे इस राज को,
माँ की गोद ही विकास का कारण है, शायद जानते हैं वे इस राज को, इसीलिए धरती माँ में गहरे गहरे गड़े होते हैं, इसीलिए पेड़ बड़े होते हैं। मनुष्य के जन्म से मरण तक साथ चलते हैं, मनुष्य के जन्म से मरण तक साथ जलते हैं और मरण के बाद साथ जलते हैं। इतना उपकार पेड़ हमारे लिए करते हैं। तो बंधुओं, वृक्षों की बात और उनकी रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण जैन धर्म से ज़्यादा कोई और कर ही नहीं सकता। जैसा कहा, जैन साधु ना अग्नि जलाता, ना पंखा चलाता, ना पेड़ों का कोई काटना पीटना, फलों फल तोड़ना, सब्जी तोड़ना आदि कोई कार्य नहीं करता। इतनी सुरक्षा कौन कर सकता है बताओ। और जल का जितना कम से कम प्रयोग है, वो जैन साधु ही दुनिया में सबसे कम जल का प्रयोग करते हैं। इससे कम जल का प्रयोग कोई कर ही नहीं सकता है। यहां तक कि स्नान वर्जित, मुनिराज के लिए क्या बताया है, आई स्नान व्रत। कौन सा व्रत? आई स्नान व्रत, स्नान नहीं करना। संयम से सुगंधी आएगी तुम्हारे शरीर में। और ये तो मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है, प्रैक्टिकल बता रही हूं। एक खैर अच्छा नहीं लगती ये बात बताना, फिर भी बता देती हूँ चलो। एक बहन जी थी, बहुत टेंशन में, बहुत लड़ाई झगड़े में, बहुत परेशान, कई सालों से। उनके शरीर से इतनी स्मेल आती थी कि जब वो कमरे में बैठती थी तो पूरा कमरा बदबू मारता था। और धीरे धीरे उनके मन से जब विकल्प खत्म हुए, मन शांत हुआ, मन में विशुद्धि आई, और धीरे धीरे जब वो धर्म में लगी तो उनके शरीर की बदबू खत्म हो गई। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। तो अभी हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो विज्ञान के माध्यम से खोज कर करके नए नए विचारों को ला रहे हैं, नई नई चीज़ों को ला रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमारे आचार्य श्री सन्मति सागर जी को भी इस तरह की चर्चाओं में बड़ा आनंद आता था। आचार्य ज्ञान सागर जी तो उन्होंने तो इस लेवल को बहुत ऊंचा उठा दिया कि इतने सारे बुद्धिमानों को इकट्ठा कर करके उनके विचारों को सुना और दुनिया को सुनाया, और जैन धर्म को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। विज्ञान क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, विज्ञान, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द कहां से बना? विज्ञान से। विज्ञान कहां से बना? ज्ञान से। ज्ञान के आगे उपसर्ग के रूप में वी लगा दिया तो विज्ञान बन गया। ज्ञान के आगे मति लगा दिया तो मति ज्ञान बन गया। ज्ञान के आगे श्रुत लगा दिया तो श्रुत ज्ञान बन गया। ज्ञान के आगे आ लगा दिया तो अज्ञान बन गया, और ज्ञान के आगे वी लगा दिया तो विज्ञान बन गया। और वी का अर्थ है विशेष। विशेष ज्ञान जिनको है वो वैज्ञानिक है, और उन्हें वैज्ञानिक कहा जिनके पास में विशेष ज्ञान है। अब वो विज्ञान में किस संबंधित है? वो किसी चीज की खोज कर रहे हैं। किस चीज की खोज? जल की खोज कर रहे हैं, जल में जीवों की खोज कर रहे हैं, वो वृक्षों की खोज कर रहे हैं, वो वायु में खोज कर रहे हैं, या वो कहाँ कहाँ खोज कर रहे हैं? जो खोज कर रहा है वो वैज्ञानिक, जो खोज कर रहा है वो वैज्ञानिक, और जो आत्मा की खोज कर रहा है वो महावैज्ञानिक। जो आत्मा की खोज कर रहा है वो महावैज्ञानिक, और जिसने खोज कर चुकी है वो परम वैज्ञानिक।
उनके आगे परम शब्द लगाया जाए, क्योंकि परम से आगे की उपाधि कोई नहीं हो सकती है। कहते ना परम पूज्य, परम क्यों लगाया? हाई क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी होती है सुपर क्वालिटी, उनके आगे परम लगाया जाता, परम पूज्य। अब इससे ज्यादा पूज्य कोई है ही नहीं है। वो परम वैज्ञानिक, परम महावैज्ञानिक भगवान महावीर। जितने साधु संत हैं वो क्या हैं? वो भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। भले ही हम जो ज्ञान की कीमत नहीं जानता वो विज्ञान की कीमत नहीं जानता, जो विज्ञान की कीमत नहीं जानता वो शास्त्रों की कीमत नहीं जानता, जो शास्त्रों की कीमत नहीं जानता वो साधु संतों की कीमत नहीं जानता। एक बार तो एक महिला अपनी बच्ची को लेकर रोज आती थी, तो बच्ची जब आती तब हम कभी लिख रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अपने लगी रहती है। ज्ञान ध्यान तपो रखता, खाली नहीं बैठना, ज्ञान और ध्यान में लगे रहो। अब वो बच्ची अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी माताजी के कोई एग्जाम है क्या? जब देखो तब पढ़ती रहती है, जब देखो तब पढ़ती रहती है। इतना तो हम तब भी नहीं पढ़ते जब हमारे एग्जाम होते हैं, आप हमारे पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ो 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 पढ़ो, और इनको तो कोई कहता भी नहीं है कि पढ़ो, इनके कौन से एग्जाम है जो इतनी पढ़ाई करती है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं, जब तक अज्ञान होता है तो पढ़ने के लिए कहना पड़ता है, और जब ज्ञान आता है तो कहना नहीं पड़ता है, फिर वैज्ञानिक बनना पड़ता है। बंधुओं, बड़ी अच्छी अच्छी चर्चा आई हमारी श्रमणी अमृता जी ने, हैं, और सुमति जी ने, प्री दर्शना जी ने, कामनी जी ने, सभी ने बड़े अच्छे अच्छे विषयों को लिया और बहुत अच्छी तरह से बताया। बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में। अभी मैं आज ना, आज प्रवचन का मन था नहीं मेरा। आप लोग तो शुरू में मनोज जी आए, बोले माता जी वो प्रवचन आपका, हमारे नरेंद्र जी आए, उसमें लिखा है सबसे पहले आपका प्रवचन है। मैंने कहा आज तो मैं सुनूंगी। बोलने वाला सुनना भी जानता है, जो सुनना नहीं जानता वो बोलना भी नहीं जानेगा। आज तो मुझे सुनने में आनंद आ रहा है। मैंने कहा रोज आप मुझे सुनते हो, आज मैं आपको सुनूंगी। और बड़े अच्छे अच्छे विषयों के माध्यम से आप लोगों ने जल के विषय में, वृक्षों के विषय में, अभी मोबाइल के AI, ये तो बड़ी गजब की बात लगी। और इसको, इनका सुनने के बाद मेरे मन में जो विचार आया वो मैं आपको बताती, कि जो AI बताया है कि जब आपने मोबाइल में कोई एक चीज़ सर्च की तो मोबाइल ने आपको उससे संबंधित 10 चीज़ दिखा दी, ठीक है। आपने 10 सर्च कर ली तो वो आपको 100 दिखाएगा, आपने 100 सर्च करी तो वो आपको 1000 दिखाएगा। कितना होशियार है ना, इशारा समझता है। आपके घर के लोग कैसे हैं, आप एक बार मांगते दोबारा फिर मांगना पड़ता है, तीसरी बार फिर मांगना पड़ता, समझते ही नहीं है। मोबाइल कितना होशियार है ना, अरे बोलिए ना, है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन की आदत है नई चीज लेना, वो एक पे नहीं टिकता है। क्या? एक पे नहीं टिकता, और एक ही एक चीज उसको मिलती जाए मिलती जाए मिलती जाए तो वो बोर हो जाएगा, और ज्यादा मिलेगी तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। मान लो आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, एक रसगुल्ला खिलाया, दो खिलाया, तीन खिलाया, अच्छा लगता है ना, 10 खिलाए, 50 खिला दिए, 100 खिला दिए, अब क्या होगा? अब तो तुम कहोगे भाई तू मुझे कृपा कर, जिंदगी में कभी रसगुल्ला नहीं मांगूंगा, तू छोड़ दे मुझे, यही कहना पड़ेगा उसको, है ना। यानी कि एक ही एक चीज के बाद आप जो आपके दिमाग पर जो बोझ, वजन और एक जो टेंशन आएगी ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मोबाइल जो आप मांग रहे थे वो उसने आपको वही दिखाया, वही दिखाया। ये ऐसी स्थिति में आदमी डिप्रेशन में भी आ सकता है इस AI के कारण से। शायद इस बात को अब आप लोग खोजने का विषय मैं दे रही कि आप इसे खोजना, है ना। और इसके अलावा जैसे शांति धारा की चर्चा हमारे डॉक्टर DC जैन ने की थी, है ना, शांति धारा का जल
और एक सामान्य जल में क्या अंतर है और उसमें अंतर कैसे आता है, ये भी आपकी खोज का विषय है। इसके अलावा जो हमारे कल सुमति जी आए थे, जो कह रहे थे विदेशों में हम कई लोगों की क्लासें लेते हैं जैन धर्म की, सुमति नाम है ना, सुगन जी, विदेशों में कई लोगों की क्लास लेते हैं, यहीं से बैठकर उनको पढ़ाते हैं, तो उन्हें जल जल पर वो खोज कर रहे हैं। आप ही कर रहे थे ना, आपने बताया था जल के विषय में, जीवराज जी ने, तो आप इस पर जरूर खोज करना कि गंधोदक का जल और सामान्य जल में क्या रासायनिक क्रिया है और क्या अंतर पड़ता है कि एक से अतिशय हो रहा है और एक से कुछ नहीं होता है, ये भी एक खोज का विषय है। इसी तरह से हमारे 12 तप हैं, वो 12 तप को भी खोज करके और उसके जो वैज्ञानिक खोज करके उस नाम से निकाला जाए, और ऐसी ऐसी खोज हमारे आने वाली पीढ़ी को पढ़ने के लिए दी जाए तो उसे पता चलेगा धर्म क्या है और इसका फल क्या है, और एक ऐसा नेटवर्क भी बनाया जाए कि जितनी युवा पीढ़ी, जितने लोग बेंगलोर में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, जितने जैन युवा बच्चे, सबका डाटा तैयार किया जाए, सबके मोबाइल नंबर तैयार किए जाए और उन्हें जोड़ा जाए और यहाँ से रोज उन्हें नया विषय दिया जाए। नहीं तो हमने खोज कर ली और अपनी किताब बना के यहीं रख ली तो फिर मतलब क्या रहा, अरे बोलिए ना, तो वहां तक पहुंचे कैसे, उसके लिए भी एक टीम होनी चाहिए, प्रचार टीम। और अभी हमारे कल्याण जी ने बताया था, किसने बताया था कि वो जो बच्चों को तैयार किया जा रहा है AI के रूप में ही तैयार की, वो अपने आप ही सतावधानी बोलते हैं कि एक साथ में कितनी चीज एक साथ बोल सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ अपने यहाँ गुरुकुल आदि तैयार किया जाए जिसमें ऐसे बच्चे तैयार किए जाए। भाई देखो, यहाँ आज जो लोग आए हैं ना, वो लोग भीड़ वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं, ये लोग दीपक हैं, दीपक ये जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला करेंगे। अंधेरा तो बहुत है संसार में, दीपक बहुत कम है संसार में, और वो दीपक अपने आप को कमरे में बंद करके रख लेगा तो फिर दुनिया को उजाला कैसे मिलेगा। वो दीपक आगे आए और आगे आके उजाला फैलाएं अपना कि हम कैसे प्रचार करें। ये मत सोचो कि भी ये लोग ये सोचेंगे कि अपने नाम के लिए करें, जिसको जो सोचना है सोच ले, मेरा मन तो है कि मुझे हर हृदय में ज्ञान का दीप जलाना है। हो सकता कुछ लोग सोच लें, लेकिन नहीं, आप अपना अपनी नजर में आप क्या है वो बात अलग है, नाम के लिए नहीं, काम करोगे नाम तो अपने आप हो ही जाएगा। हैं, हमारे सौगानी जी, संजीव जी, जब मैं केशव राय पाटन में थी तब आप वहाँ पर आए, आपकी ससुराल है वहाँ पर, तब आप आए थे, तब चर्चा हुई तो बोले माता जी वो वैज्ञानिकों की गोष्ठी करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा करो मैं तैयार हूँ, और फिर उसी समय फिर चर्चा हुई, फिर आके आप आए, फिर डेट फाइनल हुई और आपने पूरी मेहनत करके, क्योंकि आदमी एक फ़ोन करने में आदमी को आजकल इतना जोर पड़ता, इतना जोर पड़ता, क्यों करूं, क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की, वो मैं कोई बारात मेरे घर की है क्या, मैं करूं क्या, इतना जोर पड़ता है कि अपने स्वार्थ के बिना एक फ़ोन भी वो फालतू नहीं करना चाहता है। लेकिन सोघानी जी ने पता नहीं कितने फ़ोन किए होंगे, कितने लोगों को बुलाया होगा, जब तक ऐसे लोग आगे ना बढ़ें तब तक ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं बंधुओं। और इसी श्रृंखला में हमारे अनुपम जी, जिनको आप जानते हैं, इनका नाम ही अनुपम है, इनकी उपमा का संसार में कोई है ही नहीं है, और मैंने भी ऐसा गणितज्ञ नहीं देखा है, ऐसा गणितज्ञ वास्तव में, मैं तो एक किताब पढ़ी थी उस किताब को, क्योंकि एक किताब पढ़ने का मतलब है एक व्यक्ति के 40 वर्ष में उसने कितनी मेहनत करी है, उसने तो मेहनत करी है 40 वर्षों में, और हमने उसे एक किताब पढ़ के एक दिन में, दो दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में वो अनुभव प्राप्त कर लिया। इसलिए किताब जरूर पढ़नी चाहिए,
किताब पढ़ने का मतलब किताब पढ़ना नहीं है, एक व्यक्ति के कई वर्षों की तपस्या को आपने थोड़े समय में ग्रहण कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आपने आपने एक नहीं, आपके जो काम है ना, यदि उसकी गिनती लगाई जाए तो एक किताब बन जाएगी। केवल शीर्षक शीर्षक की गिनती लगाई जाए तो एक किताब बन जाएगी। तो बंधुओं, और हमारे जस्टिस जी बैठे हैं, नरेंद्र जी, आपका समर्पण और धर्म के प्रति आपकी रुचि और आपका आगे होकर, मतलब कभी ना तो इनके मुख पर है ही नहीं है, यदि इतनी सी भी इन गुंजाइश है तो ये कभी ना नहीं कर सकते किसी कार्य के लिए। बंधुओं, और हमारे मनोज जी, जो कि आप सभी पूरे समाज में आजकल तो पूरे देश में ही, पूरे विदेश में फेमस हो रहे हैं, संचालक, संयोजक, और हमेशा आगे बढ़ के काम करना, ऐसा नहीं कि इंतज़ार करेंगे अब माता जी आ रही हैं देखेंगे, नहीं, आगे बढ़ के पिछले शहर में जाना, लेकर आना, और जब तक शहर में है तब तक पूरा भ्रमण करवाना और आगे होके कार्यक्रम तय करना। यदि ऐसा नेता हर समाज में हो जाए तो मैं कहूँगी जैन समाज की काया पलट हो जाएगी। मनोज जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, मैं 2009 में पहुँची थी और 10 में बिहार किया था मैंने, तब से जानती हूँ मैं। और इतना समर्पण, और ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह नहीं, संतों में सबकी सेवा करना, सबकी, तो इससे प्रभावना होती है। और हमें करना क्या है, प्रभावना ही तो करना है। हर हृदय में ज्ञान का दीप जले, घर घर में ज्ञान की ज्योति जले, और ज्ञान होगा तो सुख होगा। और बंधुओं, इस कार्यक्रम को संयोजन करने में हमारे धनराज जी हैं, और नैमी चंद जी, और यहाँ की युवा टीम, भानु जी, बालकृष्ण जी, काफ़ी लोगों ने बड़ी मेहनत करी। आप सब लोग अपने अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। और हमारी इंदु जी बैठी हैं, हैं इंदु जी सोनागिर मिली थी, और जैसा भी उन्होंने बताया कि संसद भवन के जो शिलान्यास और जो सुप्रीम कोर्ट का शिलान्यास हुआ, उसमें आपके द्वारा मंगलाचरण किया गया और नमोकार मंत्र से वहाँ का शिलान्यास करवाया गया। नहीं तो वहाँ का माइक मिलना हर कोई की बड़ी बात नहीं है, और आपके हाथ में माइक आया, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है जो आपके हाथ में आप माइक आया और आपको मिला। तो जैन समाज में जब ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं तो हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, और हम कैसे कर सकते हैं विचार करें। अभी अपने पास कल का टाइम है, और कैसे हम आगे कर सकते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने इतनी मेहनत करके आप सबको ग्रुप बनाए हैं, तैयार किए हैं, अब उनको बिखरने मत दो। 3 साल हो गए, 4 साल, बहुत सारे लोग छूट गए होंगे, अब उन्हें वापस समेट लो। और मैं यहाँ पर तैयार हूँ, जहाजपुर की कमेटी तैयार है, जहाजपुर वाले तैयार हैं। आप कौन सा प्रोग्राम करना चाहते हैं आप बताएं, वहाँ हर प्रोग्राम होगा और हर तरह से कार्यक्रम होगा। अरे बोलिए ना, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा कुछ बोल के तो बता दीजिए। अनुपम जी बोलेंगे, सबकी तरफ से अभी अनुपम जी बोलेंगे, और ये वरिष्ठ भी हैं, गरिष्ठ भी हैं, इष्ट भी हैं। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आप सबके जोर से बोलने का, रसोई में बेलन का, बच्चों के लालन का, और आज यहाँ वैज्ञानिकों के सम्मेलन का, तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और वैज्ञानिकों के गहरे गहरे ज्ञान का, गणित में करण का, त्याग के वर्ण का, और सुरक्षा करने में पर्यावरण का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके यहाँ पर आने का बड़ा ही महत्व है, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आप सबकी जहाजपुर की यात्रा का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का महत्व है। चलिए, 1995 में पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्र संत आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने विभिन्न वर्ग के लोगों को जोड़ करके
शुरुआत तो उसके पहले सराकोद्धार से हो गई थी, लेकिन विभिन्न समाज के प्रोफेशनल्स को जोड़ करके उनमें एक जागृति लाना, विशेष रूप से युवा वर्ग में जागृति लाने का अनुष्ठान प्रारंभ किया। 2010 में ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन की स्थापना हुई, लेकिन पूज्य आचार्य श्री ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जजेस, ज्योतिषी और विभिन्न प्रोफेशन में प्रवीण लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का जो उपक्रम प्रारंभ किया वो सतत चलता रहा, लेकिन पूज्य आचार्य श्री की 12 में समाधि हो जाने के कारण अचानक ये सब प्रकल्प लगभग स्थगित हो गए। आचार्य श्री से गणनी पद प्राप्त पूज्य माता जी ने भाई संजीव सोगानी की पहल पर यह वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया, ये तो प्रसन्नता की बात ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पूज्य माता जी ने अपने श्रीमुख से आज स्वयं घोषित किया है कि जितने भी प्रकल्प पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, यहां जो लोग बैठे हैं सब ज्ञान सागर महाराज के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। तो मैं स्वयं 1995 से ही जुड़ा हूं, इसलिए सभी चेहरे करीब करीब पहचाने हैं। माता जी ने ओपन चेक दिया है, वैसे ये शब्द अच्छा नहीं लगता, सामयिक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं मंगल आशीर्वाद दिया है। गुरु माँ के चरणों में वंदामी अर्पित करती हूँ। बहुत पहले जब ये जहाजपुर बन रहा था, स्वस्ती धाम तीर्थ का शुभारंभ था, उस समय यहाँ आए थे और उस समय ही एक ऐसा आभा मंडल महसूस हुआ था कि वास्तव में यहाँ का अतिशय बहुत अद्भुत है, और हमारे परिवार को जिनाभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद मेरा सौभाग्य है कि अभी मेरा यहाँ आना हुआ, और जब यहाँ बस कदम रखे हैं और यहाँ की जो भव्यता मैंने देखी है उससे ऐसा लगा कि जब अतिशय होते हैं तो ऐसे होते हैं। और स्वस्ति भूषण माता जी की तो कृपा इतनी अद्भुत है कि कहते हैं वर्षों से हम खोज रहे थे, अब तक इतने सूत्र मिले हैं, जहाँ आपके चरण पड़े हैं वहाँ भूमि पर तीर्थ खिले हैं। और इस तरह से जब तीर्थ खिलते हैं और हम सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए ये तीर्थ ऐसे बन जाते हैं कि कभी भी आओ और अपने भक्ति के भावों को यहाँ पर अर्पित कर दो, तो ऐसे अद्भुत तीर्थ क्षेत्र स्वस्ति धाम, जो तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ मुनि मूल नायक प्रतिमा, जो अद्भुत प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई थी, उसके अतिशय को सिर्फ हम ही महसूस नहीं करते हैं, पूरे विश्व का जन जन महसूस करता है, क्योंकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण होता है। तो आप लोग भी जब भी मन की भावना आपकी हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे तभी आप इसके अतिशय को महसूस कर सकते हैं, आप घर बैठे भी इसके अतिशय को महसूस कर सकते हैं। मैंने घर से अपनी भावना भाई थी कि मैं यहाँ पर आकर दर्शन करूँ, क्योंकि इसका पंचकल्याणक इसके हो चुके हैं और इतना सुंदर मंदिर बन चुका है। और जब मैंने भावना भाई तो देखिए निमित्त ऐसा बना कि मुझे आज साक्षात दर्शन के अवसर मिल रहे हैं, गुरु माँ के भी दर्शन करने का अवसर मिला और तीर्थंकर भगवान के भी दर्शन करने का अवसर मिला। और एक जहाज, आज तक पूरे विश्व में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जो जहाज के ऊपर निर्मित हो, तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सही में एक ज्ञान की गंगा में, पूरे ज्ञान की गंगा में गोते खा रहे हों, और बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। तो आप यहाँ पर अवश्य आइए, हमने अपने मन की भावना पूरी की है, आप किस इंतज़ार में हैं, आप भी यहाँ आके अपने भावों को अर्पण कीजिए, फिर देखिए जीवन का ऐसा कल्याण होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। डमो जिडाडम, जय जिनेन्द्र। ये परम सौभाग्य है कि आज जहाजपुर में एक इतने अतिशय हुए हैं, शायद आज एक और अतिशय होने जा रहा है, और वो है कि यहाँ पर जितने साइंटिस्ट आए हैं वो जैन धर्म की व्याख्या तो करेंगे ही, जैन धर्म के साथ साथ जो अपने विषय में उन्होंने कार्य किए हैं, जो बहुत उन्नति की है इस देश ने,
कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो हमको चंद्रयान ले जाए, चंद्रयान पे जो लेके गए, या हमको मंगल ग्रह पे जो लेके गए, वो साइंटिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी वजह से गुरुदेव का आशीर्वाद था जब यहाँ पर जो जिन्होंने सैटेलाइट, पूरा सैटेलाइट का उपक्रम भारत देश में लगाया, जो कि हमारे प्रोफेसर यूएन राव थे, जिनको कि भारत रत्न अवार्ड मिला, वो गुरुदेव के चरणों में आए थे और उन्होंने कहा था कि गुरुदेव, मैंने मेरे अंदर में 25,000 साइंटिस्ट काम करते हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार किसी दिगंबर संत के दर्शन किए हैं और मुझे लग रहा है कि आपसे बड़ा कोई साइंटिस्ट हो नहीं सकता। तो ऐसे हमारे जैन धर्म के, जब हमको तो क्या है कि बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल गई हैं तो हमें उनका महत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट जिन्होंने कभी जिन धर्म या जिन प्रतिमाओं के दर्शन नहीं किए या गुरु के दर्शन नहीं किए, वो गदगद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हर कार्यशैली में, हर जो भी हमारे शास्त्र हैं उनमें इतनी वैज्ञानिकता भरी हुई है कि उसकी कोई हम कह नहीं सकते। और आज जहजपुर में ये कार्य आर्य का गन्नी स्वस्तिभूषण माता जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है, जो ज्ञान सागर महाराज जी का बहुत सपना था। वो हमेशा कहते थे कि अगर किसी देश की प्रगति हो सकती है तो वो साइंटिस्ट की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि इनोवेशन अगर किसी देश ने किया है तो उसकी प्रगति ऊपर से ऊपर होती है। और हमारे देश को अगर चौथे नंबर पर लाने का कोई कार्य हुआ है तो भी शायद लगता है गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल के साथ मैं आज दर्शन के लिए यहाँ पधारा हूँ। यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो कॉन्फ्रेंस में एक थोड़ा उद्बोधन देने के लिए भी मैं आया हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बचपन से ही मुझे धर्म के संस्कार मिले। मेरे माता पिता शांति सागर के परम भक्त थे, हाँ। और आज जहाँ जहाजपुर में आकर ये अद्भुत मंदिर देखकर मैं गदगद हो गया। ज्ञान सागर महाराज जी के साथ यहाँ पंचकल्याणक में मैं आया था, मगर उसके बाद भी यहाँ जो कुछ हुआ है वो सब कुछ अद्भुत है। यहाँ की वर्गणाएँ बहुत पवित्र है, और अभी अभी गुरुदेव प्रभु के दर्शन लिए और माता जी के चरणों में आया तो अनुभूति हुई कि माता जी का अनुभव आभा मंडल भी बहुत प्रभावी है, और माता जी के ये पवित्र आभा मंडल से हर एक शावक को बहुत फ़ायदा होता है, उनके आशीर्वाद हमें बहुत काम आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। गुरुदेव के आशीर्वादों से ही मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। यह सब गुरुदेव के और गुरु माँ के आशीर्वाद है, ऐसा मैं समझता हूँ। और यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि बार बार मैं आऊँ। अभी 80 साल की उम्र हो गई है, अंतिम काल तो ऐसी जगह बिताऊं जो बहुत पवित्रता से भरा है। और आज यहाँ आकर ऐसा मन हो रहा था कि नहीं, साल में 2-3 महीने यहाँ आकर गुरु माँ के चरणों में रहूं, ज्ञान का अमृत पाऊं और प्रभु की आभा मंडल में रहकर अपने जीवन का उद्धार करूं। पुनश्च आपके चरणों में त्रिवार वंदामी। यहाँ का अतिशय अद्भुत है, कई बार माता जी के पास यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। जब यह प्रतिमा भूगर्भ से निकली, वह समय भी हमने देखा, जब इसका पंच कल्याणक हुआ वह समय भी देखा, जब आचार्यवर ज्ञान सागर जी महाराज यहाँ पर आकर दीक्षाएं देकर गए वह समय भी देखा, लेकिन आज जब पूर्ण यौवन पर यह क्षेत्र, यह स्थान है, तो मन आनंदित हो गया। ऐसा अद्भुत जिनालय, ऐसा अद्भुत तीर्थ क्षेत्र हमने तो कहीं नहीं देखा। बस एक ही बात कहेंगे, पूज्य गुरु माँ, आपने कैसी परिकल्पना कर दी, इतनी सुंदर जहाज के मॉडल पर पूज्य भगवंतों को यहाँ विराजमान किया। हम अभिभूत हैं। पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े, पधारो प्यारा मारे आंगड़े, मारे आंगड़े आया काम बने, मारे आंगड़े आया काम बने, पधारो प्यारा प्रभु जी मारे आंगड़े।
स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा